The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. तो चलिए बात करते हैं दुनिया के सबसे डरावने, सबसे खतरनाक हार्ट के टेस्ट के बारे में। जी हाँ, ये सबसे खतरनाक हार्ट का टेस्ट है। इस टेस्ट के करते हुए आपको दिल का दौरा तक आ सकता है। भाई जब टेस्ट करते हुए दिल का दौरा आ सकता है तो फिर ये तो डेंजरस हुआ। सो कैन यू हैव अ हार्ट अटैक? यस यू कैन। क्यों, कैसे, काय के लिए, ये क्या है, स्ट्रेस टेस्ट होता क्या है? आसान भाषा में स्ट्रेस टेस्ट का मतलब है आपके दिल के ऊपर स्ट्रेस डाला जा रहा है, आपके दिल के ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है और उससे देखेंगे कि दिल उसके प्रेशर को झेल सकता है क्या नहीं। अगर आपका दिल उस प्रेशर को झेल सकता है तो आपका दिल नॉर्मल है, तो आपको अटैक वटैक आने का खतरा नहीं है। लेकिन अगर आपका दिल उस प्रेशर को नहीं झेल पाया तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि टेस्ट के दौरान ही अटैक आ जाए। तो स्ट्रेस टेस्ट इज अ नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर, मतलब उसमें आपके शरीर के अंदर कोई सुई या नहीं घुसाई जाती, किसी प्रकार का कुछ नहीं किया जाता, लेकिन आपके हार्ट के ऊपर स्ट्रेस डाला जाता है आपके हार्ट का फंक्शन देखने के लिए। या तो आपको चलवाया जाता है ट्रेडमिल पे, सो ट्रेडमिल टेस्ट इज ऑल्सो TMT इज ऑल्सो अ स्ट्रेस टेस्ट। ओके, दैट इज अ डेंजरस टेस्ट। इसीलिए आपको, अगर आपने कभी वो किया है तो उससे पहले आपको एक कंसेंट साइन करवाया जाता है कि आपको पता है कि इसके खतरे क्या हैं और इसके खतरे और इसके सब जानते हुए आप ये करना चाहते हो, और जब आपके डॉक्टर आपको बताते हैं तभी करते हो। इसीलिए एक स्ट्रेस टेस्ट का इस्तेमाल कब करते हैं? स्ट्रेस टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं अगर आपको किसी प्रकार के सिम्टम हैं, लक्षण हैं, और हमें ये देखना है कि आपको हार्ट की बीमारी तो नहीं है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज तो नहीं है, आपका ECG इको नॉर्मल है लेकिन फिर भी आपको कोई लक्षण है, तब फिर हम आपको बोलते हैं कि आप TMT स्ट्रेस इकोकार्डियोग्राफी या स्ट्रेस थैलियम जैसा कोई टेस्ट करवाओ। इससे क्या होता है, इससे हमें एविडेंस मिलता है कि अगर आपके ECG में वैसे नॉर्मली कोई चेंज नहीं है या माइनर चेंज है, और चलते समय TMT पे चलते समय आपके ECG में चेंज बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो दैट सजेस्ट कि आपके हार्ट में ब्लॉकेज है। दैट इज हाउ वी कैन नो कि हार्ट में ब्लॉकेज कैसे। फिर उसके बाद में स्ट्रेस टेस्ट ये भी डिटेक्ट कर सकता है कि अगर आपके मतलब ब्लॉकेज है, या इसको प्लैक भी बोलते हैं, एथेरोस्क्लेरोसिस। स्ट्रेस टेस्ट तब पॉजिटिव आता है जब हार्ट में 70% से ज़्यादा ब्लॉकेज हो। अगर आपके हार्ट में 70% से ज़्यादा 70 से ज़्यादा ब्लॉकेज होगा तो स्ट्रेस टेस्ट पॉजिटिव आएगा। अगर 70 से कम होगा तो स्ट्रेस टेस्ट तब भी नेगेटिव आ सकता है। मतलब स्ट्रेस टेस्ट नॉर्मल है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी खून की नसें, हार्ट की आर्टरीज परफेक्टली क्लियर है, नहीं। हम ये बोल सकते हैं कि 70% है, क्रिटिकल स्टेनोसिस नहीं है, तुरंत एमिनेंट कोई हार्ट अटैक का डेंजर नहीं है अगले कुछ हफ्तों, कुछ महीने, वैसे टेक्निकली साल भर माना जाता है उसकी, साल भर में फिर रिपीट करना पड़ता है स्ट्रेस टेस्ट। तो सिवियर नैरोइंग जब आपके खून की नसों की हो जाती है, तो जब आप चलते हो तो आपकी दिक्कत बढ़ जाती है, ECG में गड़बड़ बढ़ जाती है तो TMT में दिखता है, साथ ही हार्ट की पंपिंग जो है एक हिस्से की स्लो हो जाती है तो वो इकोकार्डियोग्राफी में दिखता है। इसी को स्ट्रेस इको बोलते हैं, स्ट्रेस इको या TMT ट्रेडमिल टेस्ट। या थर्ड होता है स्ट्रेस थैलियम। थैलियम में क्या होता है, मायोकार्डियल परफ्यूजन स्कैन, मतलब आपके हार्ट के अंदर दवा डाली जाती है, आपको इंजेक्शन देके उसमें इंजेक्शन लगता है, बाकी दोनों में इंजेक्शन नहीं है, TMT या स्ट्रेस इको में कोई इंजेक्शन नहीं है। स्ट्रेस थैलियम में आपके हार्ट के अंदर यानी आपके शरीर के अंदर दवा डाली जाती है, वो दवा अंदर जाती है, आपके हार्ट उसको अपटेक करता है, और जब आप तेज़ एक्सरसाइज करते हो तो ज़्यादा अपटेक करता है। अगर आप जब तेज़ एक्सरसाइज कर रहे हो तो बाकी सारे हिस्सा ज़्यादा अपटेक कर रहे हैं, एक हिस्सा जिसमें अपटेक ज़्यादा हो ही नहीं रहा या उसमें रैदर कम हो गया, दैट मीन्स कि वो हिस्से में ब्लड सप्लाई बहुत कम हो गया। सो दैट्स हाउ वी नो कि वो हिस्से में ब्लड सप्लाई में सिग्निफिकेंट ब्लॉकेज है, वो होता है स्ट्रेस टेस्ट थ्रू मायोकार्डियल परफ्यूजन स्कैन, स्ट्रेस थैलियम, रेडियो आइसोटोपिक थैलियम यूज होता है उसमें। सो स्ट्रेस टेस्ट ट्रेडमिल पे किया जा सकता है, साइकिल पे किया जा सकता है, स्ट्रेस वाली साइकिल चलाने पे आपको बोला जाता है, या थर्ड दवा देके भी किया जा सकता है।
एक दवा आती है जिसको हम कहते हैं डोब्यूटामीन। डोब्यूटामीन आपका हार्ट का रेट बढ़ाती है, तो डोब्यूटामीन दे के आपके दिल की धड़कन धड़क 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 बढ़ा दी जाती है, और जितनी ज़्यादा दवा चलती है उतना ज़्यादा धड़कन बढ़ती है। तो दवा देते हुए आपका इकोकार्डियोग्राफी सोनोग्राफी हार्ट को देखा जाता है। तो हार्ट जो है पहले स्लो धड़क रहा होता है, फिर तेज़ धड़कना शुरू करता है, फिर और तेज़ धड़कना शुरू करता है। जब और तेज़ धड़कना शुरू करता है तो हमें दिख जाता है कि हार्ट जो तेज़ धड़क रहा है उसमें सही तरीके से धड़क रहा है या कोई एक हिस्सा है जो कम धड़कने लगा। तो वी कैन अप्रिशिएट दैट एंड प्लस ईसीजी में कुछ चेंजेस आ रहे हैं नहीं आ रहे, वी कैन सी दैट। सो इस तरह से तीन प्रकार के स्ट्रेस टेस्ट हैं, और दो प्रकार का स्ट्रेस है, चलाने वाला स्ट्रेस और दवाई वाला स्ट्रेस। तो स्ट्रेस दिया जाता है, हार्ट पे रिस्क होता है। अगर ऐसे किसी पेशेंट को नॉर्मल स्ट्रेस टेस्ट आ जाता है, नॉर्मल रिजल्ट आता है, दैट मीन्स कि उसके हार्ट में कोई सिग्निफिकेंट ब्लॉकेज नहीं है, तो उसकी पॉसिबिलिटी कम है कि उसको हार्ट अटैक आएगा फ्यूचर में, लेकिन रूल आउट नहीं होता, क्योंकि अभी भी 70% से नीचे 60% 50% ब्लॉकेज हो सकता है। सो इट इज़ नॉट 100% प्रोडक्टिव कि भाई हाँ आप पता चल गया आपका, लेकिन इतना पता चलता है इमीजिएट भर्ती करके, इमीजिएट ये जो चेस्ट पेन हो रहा है इसमें इमीजिएट कोई एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी करने की जरूरत है कि नहीं, उस चीज़ के लिए हम स्ट्रेस थैलियम स्ट्रेस टेस्ट कर सकते हैं। सो अगर क्योंकि क्या होता है, अब क्यों आप बोलेंगे कि सर अगर 70% से नीचे ब्लॉकेज है, 50% है, 60% है, तो एकदम अटैक कैसे आ जाएगा? तब भी अटैक आ सकता है। तब भी अटैक कैसे आता है? कुछ पेशेंट्स में इवन स्ट्रेस टेस्ट करते हुए छाती में दर्द शुरू हो जाता है, बिकॉज उनका मान लीजिए ज़्यादा ब्लॉकेज है, 90% 99% ब्लॉकेज है, वो चलने लगे, उनका सीधा छाती में दर्द होने लगा। अब वो दर्द जो है कई बार क्या होता है, ये प्लाक जो क्लॉट होता है, जो प्लाक होता है, जो कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होता है, ये प्लाक रप्चर हो सकता है, ये प्लाक टूट सकता है। और ये प्लाक वैसे तो कभी भी टूट सकता है, हो सकता है एक्सरसाइज के बाद अगले दिन टूट जाए या 10 साल तक ना टूटे, कुछ नहीं बोल सकते, भगवान के ऊपर है। अगर ये प्लाक टूटता है, रप्चर होता है, तो वहां पर ब्लीडिंग होती है, क्लॉट बनता है, वो जो क्लॉट है फिर वो आर्टरी को पूरा बंद कर देता है, और फिर आपकी आर्टरी बंद होगी, वो टेक्निकली आपको हार्ट अटैक शुरू हो गया। ये स्ट्रेस टेस्ट के दौरान भी हो सकता है, इसीलिए स्ट्रेस इको स्ट्रेस टेस्ट ये सारे के सारे एक डॉक्टर की निगरानी में होते हैं, एक हार्ट सेंटर में होते हैं। आपको इसीलिए ये एक हॉस्पिटल सेटअप में ही कराना चाहिए, या क्लिनिक में करते हो तो वो डॉक्टर खुद करता है, ताकि आप जो है डॉक्टर की निगरानी में हो। इन केस अटैक होता भी है तो डॉक्टर है, दे विल गाइड यू कि इमीडिएट अस्पताल जाना है, भर्ती होना है, दवाई। हार्ट अटैक ऐसी कोई मेजर चीज़ नहीं है, सही समय पे दवाई मिल जाए तो सभी ठीक हो जाते हैं हार्ट अटैक के केस में। दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हियर, कि स्ट्रेस टेस्ट क्या है, स्ट्रेस टेस्ट कैसे करते हैं। प्लाक रप्चर एक डेंजरस कॉम्प्लिकेशन है, जो कब होगा कब नहीं होगा किसी को नहीं पता। प्लस प्लाक रप्चर नहीं भी हुआ तो भी वी डोंट नो कि एक पेशेंट जिसका ईसीजी इको नॉर्मल है, हो सकता है उसके अंदर 80% 99% 80% 90% ब्लॉकेज हो, फिर भी खून जा रहा है, थोड़ा तो खून जा रहा है, जिससे उसका काम चल रहा है, उसने आज तक दौड़ा भागा नहीं, आज हम उसको दौड़ा रहे, आज एकदम से दौड़ने लग गए, तो हो सकता है उसको छाती में दर्द शुरू हो जाए, अटैक शुरू हो जाए। अटैक नहीं भी हो, क्लॉट रप्चर प्लाक रप्चर नहीं भी हो, तो एंजाइना हो सकता है, एंजाइना कैन बी देयर, विच कैन बी अगेन अ काइंड ऑफ अ माइनर हार्ट अटैक, ACS में आ जाता है वो, एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम। सो इसीलिए ये रिस्की टेस्ट है स्ट्रेस टेस्ट, ये तभी करा जाता है जब एक कार्डियोलॉजिस्ट बोलता है कि यस इसकी ज़रूरत है, और एक कार्डियोलॉजिस्ट को आपको दिखाना है जो आपका पहले करेगा ECG, फिर करेंगे इकोकार्डियोग्राफी, और फिर अगर आपके सिम्टम्स हैं ऐसे जिसके चलते आपको स्ट्रेस इको की, TMT की, या फिर स्ट्रेस थैलियम की ज़रूरत है, तो आपको वो देंगे, या फिर अगर आपके ECG इको में ही गड़बड़ आ जाती है तो ये स्ट्रेस थैलियम स्ट्रेस इको स्ट्रेस या TMT की आवश्यकता नहीं है। एक ECG में ही गड़बड़ है, तुरंत गड़बड़ है, जिसको हमको वैसे ही दिख रहा है कि यार इसमें तो मेजर ब्लॉकेज हो रहे लग रहा है, उसको थोड़ी दौड़ा देंगे, उसको जबरदस्त दौड़ा देंगे तो उसको तो फिर अटैक आ ही जाएगा। तो उस इंसान के दिल को डायरेक्ट कोई स्ट्रेस देने की जगह हम उसको एंजियोग्राफी या उसको दवाइयों पर डायरेक्ट, दवाई पर तो जाना ही जाना है, उसने सबने जाना है, एंजियोग्राफी करके देख सकते हैं कि ब्लॉकेज कितना है कहाँ है, ताकि हम उसके लिए सफिशियंट ट्रीटमेंट दें, ताकि हम परमानेंट ब्लॉकेज अटैक अवॉइड कर सकें। सो दिस इज द रोल ऑफ अ स्ट्रेस टेस्ट इन योर लाइफ। सम पीपल आर देयर जो हर साल करते हैं, सम पीपल आर देयर जो 2 साल में करते हैं, कुछ लोग जिंदगी में कभी नहीं करवाते। टेक्निकली एक उम्र के बाद हर साल
स्ट्रेस टेस्ट या हर दूसरे 2 साल में एक बार स्ट्रेस टेस्ट होना चाहिए, वो 40, 45, 50 मान लीजिए, डिपेंडिंग अपॉन योर रिस्क फैक्टर। सो इसीलिए कई सारे जो कंपनीज हैं उनके चलते उनके इसमें जो रेगुलर एनुअल पैकेज होता है उसमें इको होता है या टीएमटी होता है, तो वो करवाते रहते हैं, इको या टीएमटी, इको या टीएमटी। तो आप ये कर सकते हैं, याद रखिए प्लेन इको कार्डियोग्राफी अलग है, स्ट्रेस इको अलग है। सो आई होप दिस क्लियर्स एवरीथिंग अबाउट स्ट्रेस टेस्ट। अगर कोई सवाल है तो आप जरूर लिखिए, हम आपके सवाल का जरूर जवाब देंगे। थैंक यू।